पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बॉल टेम्परिंग का आरोप, तो आईसीसी ने लिया ये एक्शन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इंजमाम उल हक और सलीम मलिक ने टीम इंडिया पर भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में बॉल टेम्परिंग करने का आरोप लगाया और आईसीसी से एक्शन लेने की मांग की, जिसके बाद बवाल हो गया। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म जारी रखा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होगा। भारत ने सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। हालांकि भारतीय टीम की इस मैच में जीत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं पाकिस्तानी दिग्गज इंजमाम उल हक और सलीम मलिक की तरफ से। दरअसल 24 जून को हुए सुपर 8 के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया था। मैच में इंडियन पेसर्स ने अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग की थी। अर्शदीप ने मैच में 3 विकेट लिए थे और उनकी गेंद काफी स्विंग हो रही थी, जिसके बाद पाकिस्तानी दिग्गजों की तरफ से इंडियन बॉलर्स पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, यानी कि बॉल टैंपरिंग के आरोप। अर्शदीप सिंह को मिली रिवर्स स्विंग पर इंजमाम उल हक और सलीम मलिक ने काफी कुछ कहा। पाकिस्तान के न्यूज 24 चैनल पर बात करते हुए इंजमाम ने कहा, अर्शदीप सिंह को पारी के 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग मिल रही थी, ये सोचने वाली बात है। अंपायर्स को यहां भी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की गेंद ऐसे स्विंग कर रही होती तो शोर मच सकता था। रिवर्स स्विंग हम काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर 15वें ओवर में अर्शदीप की बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है, इसका मतलब है कि गेंद पर सीरियस काम हुआ है। अगर बुमराह की बॉल रिवर्स स्विंग हो रही होती तो वो उनकी एक्शन की वजह से होता, लेकिन अगर किसी और की बॉल स्विंग हो रही है, इसका मतलब है कि बॉल से छेड़खानी हुई है। इंजमाम के इस बयान पर सलीम मलिक ने भी हां में हां मिलाई। सलीम मलिक ने कहा, मैच में कई बार इतना प्रेशर होता है कि अंपायर को भी शायद पता नहीं चल पाता। भारत ऑस्ट्रेलिया का ये मैच काफी प्रेशर वाला था, तो वो देख नहीं पाए। अंपायर की आंखें कुछ टीम के लिए बंद होती है। साफ तौर पर बॉल टैंपरिंग हुई है और आईसीसी को इस पर अब कुछ एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों के इन इल्जामों के बाद बवाल मच गया है, जिसके बाद आईसीसी को सामने आकर इस पर रिएक्ट करना पड़ा। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने इस पर बात करते हुए कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेला गया उसमें भारत पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया गया है और इस पर हमने कार्रवाई की है। हमने उस मैच के सारे फुटेज देखे हैं और अब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि कोई बॉल टैंपरिंग नहीं हुआ था। अर्शदीप को जो रिवर्स स्विंग मिल रहा था वो उनके स्किल्स के वजह से थे। आजकल इतने कैमरास लगे हैं और आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, अगर कोई बॉल टैंपरिंग का इंसिडेंट होता तो वो अब तक सामने आ जाता। मैं भारत को क्लीन चिट देना चाहूंगा, उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है। दोस्तों, खुद आईसीसी के चेयरमैन ने अब ये साफ कर दिया है कि कोई बॉल टैंपरिंग नहीं हुई थी। शायद अब तो पाकिस्तानी बवाल करना बंद करेगी और शायद इंजमाम उल को अब भारत से माफी भी मांगनी पड़े। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।